व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू टेकमेट। और आज के इस वाली वीडियो में हम इसी ट्रूकबर्ड्स S2 लाइट की एक अनबॉक्सिंग डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं। यहाँ पर काफी अलग सा बॉक्स दिया गया है, नीचे साइड मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ट्रूक ने भी अब अपने मेड इन इंडिया ईयरबड्स निकाल दिए हैं, तो जल्दी से हम इसे देख लेते हैं अनबॉक्स करके। बाकी यहाँ पर मैं इसकी री अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कुरियर बॉय ने कर दी थी, अगेन से ओपन बॉक्स डिलीवरी देखने मिली है। मैं परेशान आ गया हूँ मैं ओपन बॉक्स डिलीवरी से, सीरियसली। चलिए तो यहाँ पर सीधे से हम ओपन करके देख लेते हैं। तो अंदर साइड सबसे पहले हमें कुछ पेपर वर्क देखने मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले एक ये वारंटी कार्ड दिया हुआ है, एक साइड में ये रिव्यू करने को बोल रहे हैं कुछ भी। इसके अलावा एक यूजर मैनुअल भी देखने मिल जाता है। और इसके अलावा अंदर साइड सबसे पहले हमें ईयरबड्स देखने मिल जाते हैं फॉइल से कवर्ड। फिलहाल के लिए इसे साइड में करते हैं, अंदर देखते हैं क्या सारी चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें एक ये टाइप सी केबल देखने मिल जाती है ईयरफोन्स को चार्ज करने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा ईयर डिप्स का पाउच भी देखने मिल जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम अपने ईयरबड्स को इस फॉइल से बाहर निकाल लेते हैं, और जैसे ही फर्स्ट इंप्रेशन में देखते हैं तो ठीक ठाक से लग रहे हैं, थोड़ा साइज में बड़े हैं। यहाँ पर अच्छे से मैंने टेस्ट करके आपके पास आता हूँ इनके डिटेल रिव्यू के साथ। ओके, तो यहाँ पर रिव्यू को स्टार्ट करते हैं हम इनकी बिल्ड एंड डिजाइन के साथ। तो अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक यहाँ पर यूज करी गई है, पूरे मैट फिनिश के साथ देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल बढ़िया है, डिजाइन वाइज काफी नॉर्मल से बनाए गए, और यहाँ पर आपको स्लाइड टेक्नोलॉजी देखने मिलती है। तो केस यहाँ पे ओपन नहीं होता है बल्कि स्लाइड होता है, और यहाँ पर इसका जो स्लाइडर वो काफी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। यहाँ पे हिंज की तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली अंदर की ईयरबड्स की बात करें तो उसकी भी प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी बाकी दी गई है। यहाँ पर ईयरबड्स की डिजाइन आपको थोड़ी सी एप्पल के ईयरबड्स प्रो से इंस्पायर टाइप की लगती है, स्टेम्स की थोड़ी सी छोटी कर दी है तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता है, ज्यादा लंबी वाली स्टेम्स अच्छे अच्छे लगते नहीं है। बस यहाँ पे डिजाइन के मामले में मुझे एक चीज बेकार लगी कि इसका साइज काफी बड़ा है, और मैं इसे एक दिन अपने कॉलेज भी लेके गया था तो जेब में रखे रखे बीच में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था साइज की वजह से। थोड़े से छोटे टाइप के बनाते तो ज्यादा बेटर रहते। बाकी इसके अलावा और कोई मेजर इशू समझ में नहीं आया मुझे इनके बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में। ओके, तो ईयरफोन्स की अगर हम फिटिंग और कम्फर्ट की बात करें तो पर्सनली मुझे फिटिंग और कम्फर्ट में कोई भी इशू नहीं लगा। मैंने 2-3 घंटे तक लगातार भी इसे यूज करके देख लिया। फिटिंग और कम्फर्ट में बेसिकली बिल्कुल भी इशू समझ में नहीं आया। काफी अच्छे यहाँ पे डिजाइन दी गई है इन ईयर डिजाइन, और मेरे हिसाब से ज्यादा लोगों को इसमें फिटिंग और कम्फर्ट में ज्यादा कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन यूजर टू यूजर डिफर भी कर सकता है अलग अलग ईयर्स के शेप के हिसाब से। इन ईयरफोन्स की अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पर काफी डिसेंट सी साउंड क्वालिटी आपको देखने मिल जाती है। ये वाली ईयरफोन्स मैंने 1100 रुपए के प्राइस पॉइंट पे परचेस करे हैं, और इस बजट प्राइसिंग के हिसाब से साउंड क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी है। यहाँ पर एकदम एक्स्ट्रा हैवी बेस तो आपको देखने नहीं मिलेगा जैसे बोट की ईयरफोन्स में देखने मिलता है। यहाँ पे एवरेज टाइप का बेस या फिर हम कहें डिसेंट टाइप का बेस देखने मिल जाता है, जो कि काफी सूथिंग सा समझ में आता है। सो हाँ, बेस यहाँ पर आपको अच्छा देखने मिलेगा, लेकिन बहुत हैवी बेस नहीं है। बाकी यहाँ पर इसके वोकल्स की बात करें तो वोकल्स काफी क्लियर सुनाई देते हैं, और लाउडनेस यहाँ पे एकदम सही दी गई है, एकदम एक्स्ट्रा लाउड भी साउंड नहीं करते हैं। तो सो ये यहाँ पे आपको डिस्टॉर्शन की भी कोई भी कंप्लेन नहीं लगेगी। यहाँ पे जो वोकल्स हैं वो थोड़े से नैरो टाइप के समझ में आएंगे, मतलब थोड़ी सी पतली सी आवाज आती है, उसकी वजह से बेकार तो नहीं लगते हैं। बस एक सिग्नेचर बताना चाह रहा हूँ, वो एकदम हैवी वाला सिग्नेचर नहीं है वोकल्स में, हल्का सा नैरो टाइप का वी टाइप का देखने मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको सराउंड टाइप इफेक्ट भी काफी अच्छा देखने मिलता है, और जो साउंड सेपरेशन इंस्ट्रूमेंटल साउंड के बीच में और बेस के बीच में वोकल्स के बीच में, तो वो भी काफी यहाँ पे अच्छे से बैलेंस किया गया है। बजट प्राइसिंग के हिसाब से ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया लगी मुझे, काफी बैलेंस टाइप की दी गई है। तो अगर आपको क्लियर क्रिस्प साउंड क्वालिटी पसंद है, एकदम सूथिंग वाला बेस पसंद है, डेफिनेटली वाली ईयरफोन्स आप ट्राई कर सकते हैं। इन ईयरफोन्स की अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको स्लाइड सिंक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने मिल जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही स्लाइडर को स्लाइड करते हुए लेट को ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली ईयरफोन्स आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही उसे बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली ईयरफोन्स आपके डिस्कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो ये फीचर यहाँ पर आपको काफी बढ़िया एकदम बजट प्राइसिंग में देखने मिल जाता है, और कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर काफी बढ़िया देखने मिलती है। यहाँ पर अगर हम इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने मिल जाता है, तो लेटेंसी के कोई भी इशू समझ में नहीं आएंगे, और सराउंड टाइप इफेक्ट होने की वजह से ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने मिलता है। इन ईयरफोन्स की अगर माइक क्वालिटी की बात करते हैं, माइक क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट सी देखने मिलती है बजट प्राइसिंग के हिसाब से। मैंने यहाँ पर एक कॉल रिकॉर्डिंग भी करी, तो यहाँ पर आपको उससे अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा कि ओवरऑल माइक क्वालिटी यहाँ पर आपको कैसी देखने मिलेगी। अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे थे ट्रूकबर्ड्स S2 लाइट के थ्रू। यहाँ पर मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, रूम के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फैन यहाँ पर ऑन है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन में अगर आप इसमें कॉलिंग वगैरह लेते हो तो सामने वाले कुछ इस तरीके से आपकी आवाज सुनाई देगी, अगर आप एकदम नॉर्मल तरीके से बोलेंगे, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा स्लो। इन ईयरफोन्स की अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट सी देखने मिलती है। यहाँ पर ब्रांड क्लेम करता है कि इसमें आपको 48 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने मिल जाती है, जो कि फॉर द प्राइस काफी ज्यादा डिसेंट है। इवन अगर ये 30-35 घंटे भी चलते हैं तो मेरे हिसाब से इनफ है। ओके, तो यहाँ पर अब एक फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि आपको ये वाली ईयरफोन्स परचेज करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो ओवरऑल 1100 रुपए के हिसाब से काफी डिसेंट ईयरफोन्स बनाए गए हैं। सिर्फ एक कंप्लेन ये लगी मुझे कि साइज काफी बड़ा है तो कैरी करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके अलावा तो सारी चीजें मुझे काफी डिसेंट लगी। लो लेटेंसी वाला फीचर दिया गया है, साउंड क्वालिटी भी फॉर द प्राइस काफी ज्यादा डिसेंट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी लाइफ भी आपको काफी डिसेंट देखने मिलती है। तो एक काफी बढ़िया डील है, डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी ज्यादा पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।